देखिए, नीलम जिनके पिताजी का नाम गुरुदेव है और वह करपालपुर अखनूर जोड़ियां के रहने वाले थे और 9 पैरा में कमांडो थे। उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण जो है वो देश के लिए निशावर किए हैं। हम सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि भाई राजौरी जिला के कोटरंका के साथ जो कंडी एरिया है वहाँ पर आतंकवादियों के छुपने की जैसे ही सूचना मिली तो ये सारे नौजवान जो हैं वो पहाड़ी पर चढ़ गए। लेकिन जो छुपा रहता है उसे ढूंढना मुश्किल होता है और उन्होंने कायराना हरकत करते हुए छुपकर बाहर किया है, जिसमें हमारे 5 जो नौजवान हैं वो शहीद हुए हैं और कुछ जख्मी हुए। जैसा कि पहले भी और अब भी इन शहीदों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी और जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें बहुत जल्द मौत के घाट उतारा जाएगा। और कल वीर गति को प्राप्त हुए और ये हम जब उनके घर गए तो उनके बच्चों को देख के बड़ा ही परेशान हुआ कि कब तक ये चलता रहेगा, कब तक छोटे छोटे बच्चे जिनके बाप इस दुनिया से चले गया और वो उनके बूढ़े माँ बाप क्या बीत रही होगी उन पर। मेरी सरकार से ये विनती है कि अब आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए, इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी को करारा जवाब देना चाहिए और एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो ताकि इस भिखमंगे देश को पता चले कि हमारे जो बहादुर जब शहादत पाते हैं तो देश पूरा देश उनके साथ होता है।